नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब की एनालिसिस करेंगे, इंट्राडे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज कौन से लेवल थे जहां से बाउंस बैक हुआ या कौन सा सपोर्ट ब्रेक हुआ, कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कहां किस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हुआ, उन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने जो ट्रेड लिए थे वो भी एक दो ट्रेड की चर्चा हम यहां पर कर लेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखिए आज जो कैंडल बनाई हुई है तो ये कैंडल अगर हम देखें तो इस कैंडल को हम एक हैमर कैंडल कहते हैं। अगर आप इस कैंडल को अगर कंपेयर करें तो ये पीछे जो आप हम यहां पर देख रहे हैं 30 दिसंबर की कैंडल भी हमको एक सेम कैंडल यहां पर दिखाई दे रही है। तो देखिए यहां पर फाइनली 2 दिन सस्टेन करने के बाद फाइनली बैंक निफ्टी आज सवेरे एक बहुत जबरदस्त गिरावट आई थी। देखिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो मैंने फ्राइडे को वीडियो पोस्ट की थी आज की ट्रेडिंग के लिए, तो देखिए मैंने वहां पर आप लोगों को क्या बताया था। देखिए मैं सबसे पहले तो इसकी हाई और लो की चर्चा कर लेते हैं फिर वहां पर चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए जो हाई आज लगा है वो 31487 का लगा हुआ है और जो लो लगा वो 30904 का लगा। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और मैं आपको बता यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से जो है गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिली थी। अब देखिए मैंने यहां पर आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज क्लियर कट बिल्कुल बताई थी कि ये जो 31,500 का लेवल है ये लेवल हमारा सेलिंग जोन है, क्लियर कट सेलिंग जोन मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मैंने आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर कट बोला था कि ये मेरा सेलिंग जोन है और ये जो 31,000 का जो लेवल है ये हमारा क्लियर कट बाइंग जोन है। तो आपने देखिए यहां पर ध्यान से देखिए अभी 31,500 के आसपास बैंक निफ्टी खुली है और बैंक निफ्टी खुलने के सहारे देखिए बिल्कुल जबरदस्त यहां पर गिरावट देखने को मिली है। बट ये देखिए यहां पर जो आप क्लोजिंग देख रहे हैं 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देखिए सपोर्ट पर, ये क्लोजिंग देखिए 31,000 के ऊपर जाकर हुई है। तो देखिए यहां से आपको एक जबरदस्त सेल कर सकते थे और बहुत मोटा प्रॉफिट बना सकते थे और यहां से आप बाइंग कर सकते थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहां पर बना सकते थे। तो फाइनली देखिए जिन लोगों ने भी यूट्यूब वीडियो देखी होगी और हमारी एनालिसिस इंप्लीमेंट की होगी मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए होंगे और फाइनली आज हमने जो है 2021 का जो है सबसे बड़ा प्रॉफिट आज बनाया है आज की डेट का। तो आज हमने मतलब समझ लिया आज हमने बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन के ट्रेड किए वो 9 ट्रेड किए कंटिन्यू, एक के बाद एक के बाद एक हमको इतने अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते गए और हम यहां पर कंटिन्यू ट्रेड यहां पर करते रहे। फाइनली देखिए आज हमने ऑप्शन में 9 ट्रेड बनाए और 9 के 9 ट्रेड यहां पर प्रॉफिटेबल रहे। और देखिए मैंने यहां पर चीजें आप लोगों को कंटिन्यू मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता रहा था। सबसे पहले देखिए मैं यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे तो मैंने आपको सवेरे ही यहां पर बता दिया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, देखिए यहां पर बैंक निफ्टी खुली थी और मैंने यहां पर इस तरह से एक चार्ट मैंने ड्रॉ करके आप लोगों को पोस्ट किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, सबसे पहले उससे पहला चार्ट मैंने आपको इसी तरह का पोस्ट कर दिया था यहां पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। सो मैं चार्ट में बड़ा कर देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैंने आपको यहां पर बता दिया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहां पर क्लियर कट सेल के लिए जाइए और यहां पर अगर आपने अभी एंट्री नहीं बनाई है तो अगर सेफ चलना चाहते हैं तो आप 31,380 की क्लोजिंग के नीचे एंट्री बना सकते हैं। तो पहला ट्रेड मैंने आपके साथ यहां पर शेयर किया था जब मैंने यहां पर एंट्री ली थी टेलीग्राम चैनल में, दूसरा ट्रेड मैंने यहां पर आपको शेयर किया था जब मैंने यहां पर दूसरी एंट्री यहां पर बनाई थी। सो देखिए टेलीग्राम चैनल में मैं चीजें आप लोगों को कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है और मार्केट क्या कर सकती है उन सारी चीजों के लिए मैं आप लोगों को अलर्ट करते रहता हूं टेलीग्राम। मैं उम्मीद करता हूं कि टेलीग्राम चैनल में जो भी चार्ट मैं पोस्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, आप लोग बहुत अच्छा ट्रेड एक ले पाते होंगे और अगर आप मान लीजिए गलत ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आप उस गलत ट्रेड करने से बच जाते होंगे। सो देखिए अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जो भी सज्जन जो भी मित्र हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, आप लोगों को यहां से बहुत हेल्प मिलने वाली है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इसके बाद हम लोग जो है वीकेंड पर पोजिशनल ट्रेड से भी वॉच लिस्ट में अपनी शेयर करता हूं, ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखिए मैं यहां पर कुछ भी छुपा के नहीं रखता, सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेक हुई उसके बाद यहां पर हमने पहला ट्रेड बनाया। फाइनली यहां पर जब देखिए जब ये लेवल ब्रेक हुआ 31,380 के आसपास का, फिर यहां पर अगेन हमने ट्रेड बनाया। अब फाइनली यहां पर एक सपोर्ट लेवल था 31,250 के आसपास, जब ये ब्रेक हुआ तो इसके बाद हमने अगेन एक ट्रेड बनाया। अब देखिए अब यहां पर जो लो लगा वो 31,910 के आसपास का लगा, बट यहां पर जो क्लोजिंग आ गई थी ये जब बड़ी कैंडल ग्रीन वाली देख रहे हैं बड़ी कैंडल बन गई थी, तो फाइनली देखिए अब हमने जो ट्रेड बनाया था यहां पर जो है यहां ट्रेड बना लिया था। अब ये ट्रेड बनाने के बाद देखिए फाइनली हमको काफी अच्छा यहां पर
कह सकते हैं कि हमको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। अब फाइनली देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि यहाँ पर एक चैनल के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है बैंक निफ्टी, और चैनल ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए, अब यहाँ पर जब हमको मिला तो हमने यहाँ पर सेलिंग की, फाइनली जब लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ भी आप सेल कर सकते थे। और मतलब कह लीजिए कि मतलब आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो मैं पोस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए चार्ट जो बनाकर, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चार्ट जो है आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे होंगे किसी भी अच्छे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए। तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में और चर्चा कर लेते हैं कि कल जो है बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकती है और कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास एक प्रॉपर रेंज आ चुकी है। ऊपर की जो रेंज है वो 31,500 की है और नीचे का जो रेंज है वो 31,000 की है। तो मतलब जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट जोन 31,000 का लेवल है और रेजिस्टेंस जो जोन है वो 31,500 का लेवल है। अब देखिए हमको करना क्या है। फाइनली देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी काफी देर सस्टेन करने के बाद 15 मिनट के चार्ट में, चलिए मैं 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ और इंट्राडे के बारे में आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो जबरदस्त गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद यहाँ पर देखिए काफी देर सस्टेन करने के बाद फाइनली ये लेवल ब्रेक हो कर दिया है इसने, आज जो ऊपर का जो लेवल था। अब हमारे लिए जो हर्डल है वो हर्डल देखिए हमारे पास जाके ये है, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अब हर्डल हमारे पास जाके 31,300 के आसपास का है। अब कल अगर ये 31,300 का लेवल निकालता है, 31,300 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज देखिए यहां पर अब मैं आपको तीन सिनेरियो बता देता हूं कि तीनों सिनेरियो में आप लोगों को किस तरह से काम करना है। मैं 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और तीनों सिनेरियो में आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कुछ टाइम यहां पर सस्टेन करने के बाद या रेंज बाउंड होने के बाद फाइनली अगर 31,300 का लेवल ब्रेक करता है, 31,310 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप यहां पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। आपका टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट यहां पर जो होगा वो 31,500 के आसपास का टारगेट होगा। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उस सिनेरियो में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 31,275 के आसपास आई है। यहां पर मान लीजिए कोई न्यूज आ जाती है या फिर कुछ भी मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट से कोई न्यूज है या नेशनल मार्केट से कोई न्यूज है, उसके कारण अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी यहां पर गैप अप ओपन हो जाता है 31,500 के लेवल पर, अगेन हमारा ये देखिए सेलिंग जोन है। आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं चीजें आपको बार बार बताता हूं। यहां भी चीज मैंने आपको क्लियर कट बताया था पुरानी वीडियो में कि मैंने 31,500 हमारा क्लियर कट सेलिंग का जोन है और यहां से सेलिंग ही करनी है, यहां पर बाइंग के लिए नहीं देखना है। बाइंग के लिए कब देखना है? जब यहां पर एक बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करके 31,500 के ऊपर क्लोज करें तब हम यहां पर बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज यहां पर हमको सेल के लिए देखना है। अब देखिए अगेन जब यहां से 31 गैप अप ओपनिंग होगी और 31,500 के आसपास, अब देखिए ये तीसरी बार जा रहा है 31,500 के आसपास, तो यहां पर हमको कंफर्मेशन का वेट करना है, कोई यहां पर डोजी कैंडल बन जाए या फिर कोई यहां पर शूटिंग स्टार, या मतलब किसी तरह से आप डाटा एनालिसिस कर लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए या कैंडल स्टिक के पैटर्न के आधार पर एनालिसिस कर लीजिए, तो यहां पर आपको सेलिंग के लिए देखना है रेदर देन बाइंग। और देखिए अब मान लीजिए, अब मैं तीसरा सिनेरियो आपको बताता हूं कि मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है आपको? सबसे पहले यहां पर 31,000 का लेवल, 31,000 के लेवल के आसपास में भी यहां से थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं। मैं देखिए आप लोगों को मैं एक एनालिसिस और यहां पर करके दिखाता हूं। यहां पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से देखिए काम कर रही है, अभी ये ट्रेंड लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए जब मार्केट इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ठीक है, जब यहां पर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मे भी यहां पर सपोर्ट ले सकती है। यहां सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहां से ज्यादा बाउंस बैक होने की उम्मीद मुझको कम लग रही है। यहां से 100 से 200 पॉइंट्स की उम्मीद मेरे को लग रही है कि 100 से 200 पॉइंट यहां से बाउंस बैक हो सकता है। मीन्स मतलब 31,000 का लेवल, हम ध्यान से सुनिए, 31,000 का लेवल एक सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल से यहां पर बाइंग आ सकती है। सो 31,000 के आसपास अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहां पर आप बाइंग के लिए जा सकते हैं, बट यहां पर प्रॉफिट आपको जल्दी बुक करना होगा। और फाइनली देख लीजिए अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है 31,000 का लेवल, उसके बाद हम यहां पर मार्केट में देखिए 31,500 के लेवल को बहुत जल्दी देखेंगे। तो फाइनली देखिए सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड लाइन। मे भी देखिए यहां से क्या हो सकता है कि यहां से देखिए ऊपर जाने के बाद 31,500 के लेवल को टेस्ट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर फिर बाउंस बैक हो सकती है। सो देखिए मैंने अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और मैं इसी पैटर्न पे, इसी एनालिसिस पे कल मैं ट्रेड करने वाला हूं। अगर आप को भी एनालिसिस समझ में आई है तो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आया है। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा और मैं आपको वो चीज समझा दूंगा। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो फाइनली देखिए मैंने हम आ गए हैं अपने स्टॉक्स पर, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं। तो एक्सिस बैंक का मैंने यहाँ पर चार्ट खोल लिया है। अब एक्सिस बैंक के लिए देखिए ये एक रेंज बनी हुई है, तो ऊपर की जो रेंज है वो 637 की है और जो नीचे की रेंज है नियर अबाउट 590 की है। अब हमको यहाँ पर देखिए हम वेट कर रहे हैं कि 635 के ऊपर की
क्लोजिंग आए, जब 635 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर अगर 615 के नीचे अगर एक्सिस बैंक ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर हम जो है सेलिंग के लिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए, फाइनली देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि 390 के नीचे, 390 के नीचे जैसे ही ये निकलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे, या फिर यहाँ पर अगर अग्रेसिव ट्रेडर हैं आप तो 393 के नीचे आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर फिर ये दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के देखिए, हम कितने दिनों से इस रेंज को देख रहे हैं, मे भी हमको 2 से 3 महीने हो चुके हैं कि ये रेंज ब्रेक नहीं हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी ये रेंज ब्रेक होगा तो हम एक बहुत बड़ी मूव देखने वाले हैं। मे भी देखिए ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है, 1450 का लेवल ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है और जो नीचे का लेवल है वो 1350 का सपोर्ट लेवल है। तो ये 100 पॉइंट्स की रेंज है। जिस तरफ भी मार्केट ब्रेक करेगी, HDFC बैंक जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, उस तरफ हमको 100 पॉइंट्स की तो हमको क्लियर कट मूव मिलने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक देखिए चैनल में अभी कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 524 के नीचे अगर कल ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के लिए देखिए, ये जो रेड कलर की मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, इसके लिए हर्डल है। दूसरा ये रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ, ये हर्डल है, मीन्स हमारे पास ये 920 का हर्डल है। जब तक ये 920 का लेवल नहीं निकालता तब तक हम यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। 920 का लेवल निकालने के बाद हमारा यहाँ पर टारगेट जो है 950 का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक देखिए, फाइनली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेलिंग के लिए 1985 रुपए के नीचे, 1985 के नीचे मैंने आपको सेल के लिए बताया था। और टारगेट देखिए, मैंने क्लियर कट आपको बोला था ये ट्रेंड लाइन, कि ट्रेंड लाइन के आसपास आकर जो है ये सपोर्ट ले सकता है। अब मे बी कल देखिए, शायद यहाँ पर कोई डोजी कैंडल बन जाए या कल कोई हैमर कैंडल बन जाए, अब यहां से मे बी बाउंस बैक हो सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मे बी 1810 तक आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा RBL बैंक। तो RBL बैंक ने फाइनली देखिए अपना 2-3 दिनों से कंटिन्यू सस्टेन हो रहा था, सस्टेन होने के बाद फाइनली जो है इसने आज ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव दी है। अब मैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगा और ये वाली ट्रेंड लाइन मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। तो ये जब हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, अब हमको यहां पर वेट करना है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग आए या तो फिर यहां पर 245 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आए। 245 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग इसको 250 और 260 रुपए के टारगेट के लिए लेके जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, मैंने यहां पर आपको बताया था 280 रुपए की बाइंग के लिए, टारगेट मैंने आपको यहां पर 285 और 290 का दिया था, सॉरी 282 और 285 290 का दिया था। तो यहां पर पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया 282 का, और 285 का टारगेट अचीव नहीं हुआ क्योंकि इसने 284 का हाई लगाया। अब फाइनली देखिए, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक इस तरह से ट्रेंड लाइन इधर से हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए एक ट्रेंड, सॉरी, हम यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमने एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करी है, तो एक ट्रेंड लाइन यहां से ड्रॉ करने के बाद एक ट्रेंड लाइन हम नीचे की तरफ से ड्रॉ करेंगे। और फाइनली यहां पर हम अगर देखेंगे तो हमको एक चैनल पैटर्न यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए यहां पर डोजी कैंडल बन चुकी है, सो यहां पर देखिए एक संकेत हो सकता है कि यहां से रिवर्स हो सकता है। सो यहां पर जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज ना कर दे तब तक आप यहां पर बाइंग के लिए ना जाइए। अदरवाइज देखिए, अभी अगर 272 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आ सकता है। अभी ये देखिए एक चैनल पैटर्न के रूप में यहां पर काम कर रहा है, असेंडिंग। इस देखिए हम इसको टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में असेंडिंग चैनल बोलते हैं। सो ये अपर चैनल के आसपास बिल्कुल यहां पर डोजी कैंडल्स ने बना रखी है। अब मे बी कल यहां पर एक छोटी सी गिरावट हो सकती है, तो यहां पर अभी बाइंग मत करिएगा, बाइंग करिएगा अगर ये अपर चैनल को ऊपर की तरफ क्लोज कर दे तब यहां पर बाइंग करिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि जो मैं चार्ट आप लोगों को भेजता हूं टेलीग्राम चैनल में, आप लोगों को चार्ट पसंद आते होंगे। अगर चार्ट पसंद आते हैं तो कम से कम जो मैं वीडियो बनाता हूं या फिर आप मेरे को मैसेज करके भी कर सकते हैं। देखिए उसमें मैं कई तरह की चीजें मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करके वहां पर भेजता हूं। देखिए अगर आप चीजें यहां सीखना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह से होती है, ऑप्शन में ट्रेडिंग किस तरह से होती है, ये सब चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल वे से और बिल्कुल सिंपल तरीके से, आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9878137600 पे, या फिर angeltechanalysis@gmail.com पर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। सो देखिए यहां पर सबसे जरूरी क्या है सीखना। देखिए मेरे को ज्यादातर लोग फोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, सर हमको टिप्स दे दो, अभी क्या कर दो, क्या बाय करूं। तो मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए आप कब तक टिप के भरोसे बैठे रहेंगे, कब तक आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। देखिए आप खुद सीखिए, अपनी सेल्फ लर्निंग करिए, या फिर किसी से सीखिए, मेरे से सीखिए, किसी और से सीखिए, पर सीखिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप मेरे से ही सीखिए, आप किसी से भी सीखिए, बट सीख कर ट्रेड करिए। यहां पर ब्लाइंडली पैसा मत लगाइए। ब्लाइंड देखिए पैसा आपका है, पैसा बहुत मेहनत से आता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अपनी हार्ड अर्निंग मनी को जो है ऐसे वेस्ट मत करिए, सीख कर ट्रेड करिए। सीखने के बाद देखिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने में, जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। सो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।